मांडर विधानसभा उपचुनाव के लिए थोड़ी देर में वोटिंग शुरू हो जाएगी। मतदान को लेकर सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। उपचुनाव में कुल 14 प्रत्याशी मैदान में हैं। चुनाव में मुख्य रूप से कांग्रेस उम्मीदवार शिल्पी नेहात्र की बीजेपी के गंगोत्री कुजूर और निर्दलीय देव कुमार धान के बीच त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है। उपचुनाव को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। इस चुनाव में महंगाई, पानी, बिजली, सड़क, बेरोजगारी समेत कई मुद्दे हैं। मांडर विधानसभा में 3,54,000 मतदाता हैं। इनमें से लगभग 1,75,000 सरना आदिवासी मतदाता हैं, 74,000 हिंदू हैं, जबकि 70,000 मुस्लिम और 30,000 ईसाई मतदाता हैं। मांडर उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी गंगोत्री कुजूर ने मतदान किया है। गंगोत्री कुजूर ने चान्हों के जयपुर मतदान केंद्र पर वोटिंग किया। उपचुनाव के लिए भारी सुरक्षा के बीच वोटिंग चल रही है। पोलिंग बूथ पर मतदाताओं की लंबी कतारें हैं। महिला मतदाताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। इसी चुनाव मैदान में भाजपा प्रत्याशी गंगोत्री कुजूर, कांग्रेस से नेहा शिल्पा तिर्की, निर्दलीय प्रत्याशी देव कुमार धान, 14 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला 26 जून को मतगणना के दिन होगा। मांडर विधानसभा उपचुनाव के लिए भारी सुरक्षा के बीच वोटिंग चल रही है। मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें हैं। महिला मतदाताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। चुनाव मैदान में भाजपा प्रत्याशी गंगोत्री कुजूर, कांग्रेस से नेहा शिल्पी तिर्की, निर्दलीय प्रत्याशी देव कुमार धान सहित 14 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला मांडर की जनता कर रही है। झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड टाइम्स डॉट लाइव को लाइक करें। साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।